Now today we will study about unit charge. Now what is unit charge? Okay, तो unit charge पढ़ने से पहले आपको Coulomb's law थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या होता है. तो Coulomb's law जो है उसका वीडियो हमारे चैनल पे डला हुआ है फिजिक्स प्रोफेसर में, प्लीज़ एक बार उसको जाके पहले देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यूनिट चार्ज क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से. ठीक है, नाउ Coulomb's law यहाँ पर लगेगा यूनिट चार्ज को समझने के लिए. ओके, Coulomb's law में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस है उसको भी एक्सप्लेन किया गया है. नाउ Coulomb's law से हम क्या जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, वेयर क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर एंड एन 9 टू 10 द पावर 9 इज द वैल्यू ऑफ के हियर. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर द फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस दैट आर क्यू वन एंड क्यू टू, वो है 9 टू 10 टू द पावर 9 न्यूटन. लेट अस कंसीडर इट. ओके, और जो दोनों चार्जेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, मतलब आर. ओके, आर 1 मीटर है और क्यू वन और क्यू टू दोनों का चार्ज है क्यू. ओके, देन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं इसको आप फोर्स के इक्वेशन में, जो कि हमारा पहला इक्वेशन है उसमें आप पुट आउट करेंगे तो हमको मिलेगा क्यू का वैल्यू, दैट इज़ क्यू इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1. ओके, Thus, if two similar charges are placed 1 meter apart in air or vacuum, experiences a force of repulsion of 9 × 10⁻⁹ newton, then each charge is called unit charge. इसका मतलब ये है कि कोई चार्ज यूनिट चार्ज कब कहलाता है, जब दो सिमिलर चार्जेस, जिनके सिमिलर चार्जेस का मतलब उन दोनों में सेम चार्ज हो, वो दोनों एक 1 मीटर अपार्ट एक दूसरे के रखे होते हैं एयर और वैक्यूम में. जब आपका मीडियम क्या हो, एयर हो या वैक्यूम हो, तब उनके बीच में एक रिपल्शन फोर्स काम करता है और वो रिपल्शन फोर्स कितने न्यूटन का रहता है, 9 × 10⁻ न्यूटन, तब उन दोनों चार्जेस को कहा जाता है यूनिट चार्ज. ओके, ये बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन है यूनिट चार्ज का, बहुत ही शॉर्ट वे में. ओके, और ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम हमको मालूम है. ठीक है, नाउ दिस इज़ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ द यूनिट चार्ज एंड प्लीज़ लाइक and share my video and subscribe to my channel for more videos on electrostatics.